Ah. वेलकम बैक टू पॉडकास्ट आज मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली एजाज़ कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र आप बताइए बिल्कुल ठीक और आपकी परफॉर्मेंस थी कल जी बिल्कुल आ, फोर्थ को थी परसों थी जी ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस तो कैसा रहा बड़ा मुश्किल सवाल होता है आर्टिस्ट से खुद ही उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछना आर्टिस्ट का तो फैसला लोग ही करते हैं <laughs> नहीं, नहीं वो, वो तो है लेकिन मतलब अंदर से एक फीलिंग होती है ना कि ठीक हो गया या आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क अबाउट माय परफॉर्मेंस तो सही, सही. So, जिनका एजाज़ यहाँ से तारफ़ नहीं हुआ ही इज वेरी वेरी क्या कहते हैं वेल रिगार्डेड एंड हाईली क्वालिफाइड वोकलिस्ट जो um, अभी हम मैं करेंगे जैसे हम जर्नी के अंदर गुस्से ज़रा तो आपका म्यूजिक से ताल्लुक शुरू कहाँ से हुआ uh, मेरी वालदा से और uh, मुझे म्यूज़िक uh, का जो मेरा शौक़ है वो बचपन से इस तरह से पता लगा कि जब भी कोई टी वी पर कमर्शल आता था इस तरह का जिसका म्यूजिक से ताल्लुक होता था आईवेज टू डांस <laughs> तो वहां से अम्मा को पता लग गया कि इसके अंदर आर्टिस्टिक जरासीम है <laughs> तो उन्होंने फिर मुझे सिखाना शुरू किया <laughs> और बताना शुरू किया फिर उस वक्त मैं कराची में ही मौजूद था <laughs> और आ, आ, अम्मा के बाद जो मेरी सबसे पहली टीचर रही इस फील्ड में वो आ, टीना सानी साहिबा खुद थी <laughs> और वो भी ऐसे वक्त में मिली जब आ, इंडोनेशिया में तब सुनामी आया था तो हम खुद डोनेशन से इकट्ठी कर रहे थे तो छोला की की हाँ जी छः आई थिंक सिक्स की तो तब मुझे आ, आ, जो मेरी वालदा जो स्कूल में होती थी प्रोबेल्स में तो उनका बेटा भी आ, नसीर भी गिटार प्लेयर तो तब आ, उनसे वहाँ मुलाकात हुई तो उनके साथ स्टेज परफॉर्म करने का मौका मिला से बल्कि स्टेज शेयर करने का मौका मिला मुझसे तो वहाँ पे एक्चुअली जो है ना मेरी तालीम उनसे शुरू हुई एंड देन इन द प्रोसेस फिर बहुत सारे टीचर्स से इंटरफेस हुआ mm -hmm. लाहौर शिफ्ट हो गया फिर मैं 2006 के बाद फॉर माय हायर स्टडीज़ और वहाँ पे फिर अलहमरा में उस्ताद अब्दुल रऊफ साहब होते हैं उनसे एक साल सीखा mm -hmm. फिर दोबारा टीचर्स की खोज शुरू हुई पाकिस्तान से कोई ना मिला तो फिर इंडिया से सीखना शुरू कर दिया mm -hmm. वहाँ पे पंडित अजय चक्रवर्ती होते हैं और उनके स्टूडेंट्स से गाइडेंस लेता रहता है ऑन एंड ऑफ एंड पाकिस्तान ने थे आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू फाइंड उस्ताद वहीम अजहर साहब जिनसे मैं अभी भी आ, मेरा जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों का तालीम का सिलसिला चल रहा है तो सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ ज़बरदस्त आई मीन जो बात आपने यू नो दैट यू टेकन इज़ वेरी फॉर समवन हु लाइक like, आपकी वायदा वाहदा का म्यूजिक से मतलब कोई है लाइक टि शी है म्यूजिक और डिट्स परफॉर्म और डी प्लेनी इंस्ट्रूमेंट बेसिकली मैं काफ़ी अर्से से ये तलाश करने की कोशिश करता रहा कि कल्प्रेट कौन है जिसकी वजह से फैमिली में <laughs> तो सु वैसी तरफ जा रहा था कि मतलब uh. बिकॉज जो बात आपका है वो नॉर्मली

यू नो पास्ट हुए उनको पिछले से पिछले से पिछले साल उनका इंतकाल हो गया वो बाकायदा सीखी हुई थी आ, बाकी सब बहनों से जो है वो नाना से आया अच्छा आ, सुर तो मुझे भी वाल्दा से ही मिला आपने तो सारे के सारे शौकीन थे गाने के बट वन खाला जिनका मैं अभी बता रहा हूँ उन्होंने बाकायदा सीखा बड़े फतेह अली साहब से जिनका ताल्लुक पटियाला घराने से था तो मेर, मेरा भी खुद जो एक्चुअली ताल्लुक है वो

Why do you think that was the case at that time or was it a case of you not being able to connect with the right teacher or you didn't like the attitude of the teachers that you found or like what were the factors involved in that? Uh, extent, maybe, uh, if I to hmm. so 30% <laughs> आ, जब स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है तो किस किस तरह से तंग होते हैं और तंग किया जाता है और तंग किया जा सकता है सारी और उसके पीछे एक मकसद भी होता है तंग करने का <laughs> कभी नहीं भी होता कुछ लोग तबियता ऐसे होते हैं आ, लेकिन जो बुनियादी वजह थी जो जो मैंने आ, आ, देखी वो ये कि हमें बताया जाता था कि जब आप आ, तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं तो जब जिस उस्ताद के पास आप जाते हैं उसकी हैसियत एक बालक जैसी होती है उसकी एक बाप जैसी होती है उसका काम आपका खाना पीना कपड़ा लगता सारा कुछ उसकी जिम्मेदारी है आपका काम है सिर्फ आप प्रयास करें बट अब वो इक्वेशन उलट चुकी है अब अभी आप कुछ बने नहीं होते और आपसे ऐसे तकाज़े किए जा रहे होते हैं जैसे कि आप जो है वो जोज दे रहे हो है ना घर गाड़ी भी तकाजा हुआ मतलब आउट ऑफ द क्या कहते हैं नॉर्मल इक्वेजन Just because I live in DHA yeah. doesn't mean that I'm a very wealthy person. तो yeah. मुझसे then I, you know, those were the times when I was working at PTV. I'm the depression that I didn't attend a few episodes of the program that I was doing at that time. फिर mm. दौसे uh, So you know, deep down, you know, Allah ने मेरे ने ये बहुत अच्छी सलाहियत रखी है I never back out.

तो उस टाइम के ऊपर जब सोचें कि ऑडियो एवोल्यूशन इतनी नहीं हुई थी और hmm. हम ग्लोब को बैठ के देख रहे होते थे कि फाइल ट्रांसफर हो रही है बड़े आराम आराम से आराम no. आराम से no. उस वक्त में एजुकेशन हासिल करना आप सोचें म्यूजिक की um, तब से मैंने एक्चुअली ऑनलाइन का आगाज किया mm -hmm. तब हमारे पास टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी इतनी तो यू नोट ऑलवेज इवन इफ आई कूड कनेक्ट बट आई वॉन्ट टू फाइंड अड the the, the main, coming to your question the main problem is is that teachers do not have the patience to basically make the student into somebody yeah. uh, you know uh, uh, evolved mm. where they would uh, be earning well yeah. and uh, you know out of uh, generosity mm. uh, um, and considering the fact that you know this person has made me what i am today mm. so i should help him financially mm. वो नहीं कर रहे करते इस तरह से वो हुँ. पहले से ही सारा कुछ वो चाहते हैं कि जी हमें दे दिया जाए जबकि तो सफर बहुत लंबा है बिल्कुल इट्स लाइफ लॉन्ग मेरे ख्याल से जब uh, मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई हुँ. और uh, मैंने uh, टेलीकॉम सेक्टर में काम करना शुरू किया तब ये आपने ये भी किया मुझे नहीं पता हाँ मैंने बिल्कुल <laughs> मैंने मैंने मजदूरों के साथ मिलकर के बहुत भारी भारी जनरेटर्स घसीट के टावर्स तक चढ़ाए हैं वो वक्त होता था जब हम मुल्तान को 4G पे कन्वर्ट कर रहे थे अच्छा। तो 4G टेक्नोलॉजी आई थी पाकिस्तान में एंड यू आर सपोज टू कन्वर्ट ऑल द टावर्स ऑफ द ओल्ड 2.5G टू 3G एंड 4G और काम भी रमज़ान में आया तो रमज़ान के महीने में आप सोचें कि हम

So, चाहिए। हाँ तो बस समझे हमने कश्तियां जला दी और सोचा कि बस अब यही करना है और आसान फैसला नहीं था क्योंकि अब पढ़ा लिखा के आपको जब भेजा जाता है तो खानदान वालों की सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और वही काम भी खराब करते हैं आपके लिए <laughs> कि जी इसको तो पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया तो कि को इसको कोई रिस्पेक्टेबल जॉब करनी चाहिए क्योंकि रिस्पेक्टेबल की डेफिनेशन को ही मुझे बताया क्या होती है या आप सूटेड वोटेड जा रहे हैं लेकिन दस हज़ार लेके आ रहे हैं तो वो रिस्पेक्टेबल है एग्जैक्टली आई मीन ये एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आई मीन एज म्यूजिशन एंड आर्टिस्ट इन दिस कंट्री हमें बड़ा हर लेवल से वो यू नो स्टेटस को चैलेंज करना बिल्कुल सो एट वॉइंट डू यू थिंक कि आपको फिर वो अपने एटलीस्ट ख़ानदान से वो सुकून मिलना शुरू हुआ कि अच्छा ठीक है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आप यही कर रहे हैं और उसमें रिस्पेक्ट भी आपको मिल रही है तो यू नो शुरुआत तो मैंने बेसिकली इस चीज़ से की कि आई वुड स्टार्ट टीचिंग ट्यूशन बच्चों को मैंने कहा चलो कुछ तो फाइनेंस आना शुरू होना कहीं से तो आप अपना यू नो चीज़ें मैनेज करें बिकॉज यू नो इज के माय मदर ऑलवेज एज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बहुत फादर एंड अ मदर तो उन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए बड़ा ही कुछ किया फाइनेंशियली तो उन्होंने कहा कि बेटा जो मर्ज़ी करना है करो मुझसे फाइनेंशियल उम्मीद मत रखना क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत तुम लोगों की तालीम पे और सारा कुछ कर चुकी हूँ बट हाँ मैं ढाल बन के खड़ी हुई हूँ ताकि तुम अपना म्यूज़िक कर सको और तुम्हें कोई मुसीबत ना आए तो यू you नो know, उस वक्त में से मैं कहा कि चलो कुछ फाइनेंसिस के लिए मैं सब्जेक्ट ट्यूशन देना शुरू करता हूँ

अब था तो एक ख्याली पुलाव ना <laughs> इनिशियली तो अब किसी को पैसे हाथ नहीं आते इस तरह no, no. से तो बस फिर एक सिलेबस बनाया पढ़ाना शुरू शुरू किया किया सिखाना किया और आहिस्ता आहिस्ता यू नो बाय वर्ड ऑफ माउथ बात फैली और ये लोग जानते हैं कि इवन दो के मैं क्लासेस देता हूँ <laughs> लेकिन मैंने कभी उन क्लासेस को एडवर्टाइज नहीं किया <laughs> आप जानते हैं आपने <laughs> सोशल मीडिया देखा हुआ मैंने मैं कभी भी पोस्ट नहीं किया अपनी क्लास के बारे में बिकॉज मैं चाहता हूँ कि लोग खुद तलाश करके आए सीरियस hmm. हो और फिर मेरे साथ टिक सीखे। साल तो सीखे ना कम से hmm. कम ताकि कोई फायदा hmm. तो, इस से फिर को पता लगना शुरू हुआ वो मेरे पास आए उन्होंने आ, सीखा बहुत सारे नामों को सिखाया hmm. आ, और सिखा भी रहा हूँ hmm. और क्या कहते हैं अभी अलहमदल तो so, ये yeah, आप जूम पे करते हैं मैं जूम पे करता हूँ स्काइप पे टीच करता हूँ एंड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान इज देयर एनी कंसंट्रेशन लाइक इंडिया से या कहीं और से या स्प्रेड एक्सेप्ट फॉर इंडिया एवरीबॉडी एल्स वेयर द पाकिस्तानीज आर सेटल्ड बेसिकली पाकिस्तानीज ही हैं हां सो आई हैव गॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया से भी हैं कनाडा hmm. से भी हैं यूएस uh, से भी हैं बट कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स यूएस में है ज्यादा अच्छा दैट्स दैट्स एक्सीलेंट आई मीन दैट दिस

ऑनलाइन चीजों uh, को लेकर के इतना इवॉल्व नहीं है उसकी वजह कि उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जी ये इफेक्टिव नहीं होगा बल्कि क्वेश्चन नहीं होता उनका स्टेटमेंट ही होता है होती होती हाँ। 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 तो जो कि मुझे बहुत खटकती है बात क्योंकि मैं ऑनलाइन से यू you नो know, सीख करके जो भी बना हु अब तक वो बनाऊँ तो मैं ये कहता हूँ कि पता नहीं लोग कैसे इतने श्योरिटी से कह सकते हैं कि जी ऑनलाइन काम नहीं करेगा तो यू नो मैंने ये सोचा कि देखें जिसने तालीम हासिल करनी है और जिसने सीखना है वो कभी बहाने नहीं करेगा mm. क्योंकि मैं उस्ताद शाह पर साहब के रिश्तेदार बजाते हैं उनकी मैं बड़ी अच्छी बात इंटरव्यू में सुनी कि अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो आप सवाल नहीं करेंगे अगर आप सवाल कर रहे हैं तो आप प्यार नहीं करते mm. तो आई आई नोटिस कि द पाकिस्तानी स्टूडेंट स्पेसिफिकली दे आस्क अ लॉट ऑफ अनवांटेड क्वेश्चंस क्वेश्चंस दे डोंट नो हाउ टू पुट फोर्थ देयर इट गेट्स रूड या एंड इट 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 गेट्स अनएक्सेप्टेबल और जस्ट बिकॉज आप एज अ पर्सन एज अ टीचर अवेलेबल हैं यहाँ पे तो वो भी फॉर ग्रांटेड लिया जाता है hmm. अब क्योंकि मैं खुद यहाँ पे बैठा हुआ था पाकिस्तान में मेरे टीचर इंडिया वाले जो हैं वो हज़ार किलोमीटर कलकत्ते में बैठे हुए हैं hmm. तो उस वक्त मुझे उस तालीम की कदर थी hmm. तो जब आप एक्चुअली अपने टीचर से दूर होते हैं तो आपको टीचर की कदर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू चीज आपके पास जब ईजी एक्सेस में होती है तो दैट इज वेन आई डिसाइडेड के नहीं हम एज पाकिस्तानी जब बाहर के मुल्क में जाते हैं तो हम इंसान के बच्चे बन जाते हैं क्योंकि वहाँ का सिस्टम हमें इंसान बनाने पे मजबूर कर देता है इंसान बनने पे एम्बेर भी होती है फिर। तो एम्बेसमेंट भी होती है वहाँ का सिस्टम देख के आंखें भी खुलती हैं वहाँ की वहाँ का डिसिप्लिन देख के आप सीखते हैं तो जब लोग ये फैसला करते हैं कि हमें थक हार के और कमर तोड़ के जब पाँच दिन काम कर रहे हैं और फिर वीकेंड पर म्यूजिक करना है तो फिर वो करते हैं एंड दे शो अप ऑन टाइम तो फिर मुझे पता लगा कि नहीं सिर्फ टीचर्स का कसूर नहीं होता यहाँ भी कुछ वहाँ से भी होता है हाँ और एक अनफॉर्चुनेटली कल्चर बना हुआ टाइम और यू नो वक् नॉलेज एसेट्रा बट मतलब अक्सर मैं आपका देखता हूँ काफ़ी यू नो लाइक माई सेल्फ आई गैस योर वोकल अबाउट मैनी थिंग्स एंड बहुत मतलब दिस मैनी टू बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट डूइंग दिस वर्क इन दिस कंट्री बट क्या कहते हैं एट द सेम टाइम आई गैस एट सम पॉइंट वो एक फैक्टर ये भी है कि मतलब ठीक है एक माहौल इस तरह का बना हुआ है नॉट आइडियल फॉर दिस वर्क बट वी आर द हैव टू एजुकेट you know the people around and eventually the society on ki music kis cool, music ka value kya hai, yeah. you know um, what's the right way to uh, have that teacher student relationship in your case so do you think that in the time that you've been doing this and your profile mashallah has built up and you know you you're now uh, quite known in in these circles do you think that जवाब जो है वो सच्चे ही होने चाहिए और कड़वे ही होने चाहिए क्योंकि ये तो देखें डिपेंडेंट uh, इसलिए नहीं हूँ किसी चीज़ पे मैंने तो अपनी क्लासेस पढ़ानी मेरा सोर्स ऑफ इनकम हुआ है तो मैं किसी कॉन्सर्ट कल्चर पे डिपेंडेंट नहीं हूँ तो मैं सवालों हूँ जवाब तो सच सच दूंगा अब चाहे कोई नाराज़ हो इस पे या ना हो लेकिन सच तो सच है इसीलिए तो हमने देखिए नेगेटिव कल्चर बड़ा है हाँ। सिर्फ म्यूजिक में नहीं हर चीज में बिल्कुल और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि हम वक्त गुजरने के साथ साथ Uh, अपने मैंटोर्स का अपने टीचर्स की जो जो रिस्पेक्ट लेवल है उसमें बहुत कमी देखने में आई है hmm. uh, हमारे वक्तों में तो टीचर जो है वो टका दिया करते थे एक आदि तो हम समझते हैं कि उसने हमें बहुत रिफॉर्म किया है हमें बड़े होकर इंसान बना है hmm. हमारे पेरेंट्स पहुंच के जो है वो टीचर का सर फाड़ने के लिए नहीं पहुंच जाते थे कि आपने हमारे बच्चे पे हाथ कैसे उठाया नाउ द इक्वेशन हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड अब सब कुछ बदल चुका है

और सीखने वालों का भी रुझान ये अब चाहे मैं, मैं बड़े सिंगर्स का नाम लू या मैं यू नो uh, you know, आम लोगों का मैं कहूँ तो सबका यही होता है कि जी अच्छा जो हमारे जो वीकनेसेस हैं जी उन उनप आप फोकस कर लें <laughs> वो हमें ठीक करा दें बस लेकिन वो जो ग्राउंड वर्क है जो जो शेकी हुआ है उसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता हाँ, डायरेक्ट टू द हाँ। तो वो बिल्डिंग तो प्लास्टर लगाना है एक एक हल्के से जल्जले के झटके की मार है <laughs> वो 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 जो जो कार्ड्स का जो घर आपने खड़ा किया है वो एक कार्ड निकालने पे यूँ नीचे आ जाएगा तो फिर आप अगर शॉर्टकट के गवैये बनना चाह रहे हैं या शॉर्टकट के म्यूजिशियन बनना चाह रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी वैसे शॉर्टकट का ही होगा आई मीन हाउ मच यू थिंक दिस हैज टू डू विद लाइक टेक्नोलॉजी जो है कि कोई भी बेसुरा गा रहा तो उसको आप लैपटॉप में बैठ के ठीक कर लो मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में आ, बात की बिकॉज आपके एक, एक साउंड इंजीनियर थी यहाँ पे डैनियल पंजवानी ही।, ही बेसिकली आजमी कि आप एक स्टेटस लिखें इसके ऊपर और आप बात बताइए कि क्यों मॉरली और एथिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाने वाले की जो स्टूडियो में आता है कि वो तैयारी करके आए तो मैं ये कहता हूँ कि पुराने वक्तों में जब ये थ्री मिनट्स की मैग्नेटिक टेप होती थी जिसको आप रीराइट नहीं कर सकते जी। थे जी। तब तो छः सात सात महीने गाने वाला तैयारी करके आता था और अगर वो गलती करता था तो उसको बेनतहा डांट पड़ती थी प्रोड्यूसर से कि आप क्या कर रहे हैं रेडियो में जब मैं गया तो वहाँ पे एक सेल था जो कि तलफ़ के ऊपर बना हुआ था कि आप पहले तलफ़ ठीक करें जिस चीज का आप गाना जा रहे हैं उसके बाद मास्टर साहब दूसरे कमरे में बैठते थे जो एक एक लाइन को डेढ़ डेढ़ दफा गवाते थे एक एक लाइन को

Too readily available, you know हाँ, everyone can just record and जा रहे हैं और वेस्टिंग दूडियो ऑनर रिकॉर्डिंग है वो पागल होते थे वो बाल नोच रहा होता है अपने कि ये क्या किसके कि साथ फंस गया तो आप तैयारी करके आए भाई अपनी आप अपना सेशन रिकॉर्ड करें एंड देन टाइम टू इंजीनियर के यार वो अपना काम करें। और 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 एथिकली अगर वो आपकी बेसुरी आवाज को सुर में कर भी लेगा तो मैं हैरान होता हूँ इस बात पे कि अक्सर आजकल के जो प्रोड्यूसर जी वो कहते हैं हाँ ये fixed, कोई बात नहीं यू नो गलती प्रोड्यूसर्स की तरफ भी है बात तो है हाँ क्योंकि वो हर एक को इन कर रहे हैं और हाँ। शायद उसकी शक्ल ज्यादा बिक, बिक, बिकेगी या जो भी है मतलब हर एक को इन कर रहे हैं आगे से कह रहे हैं कि हाँ लोग तो आजकल लोगों को पता नहीं चलेगा कैसे नहीं पता चलेगा बिल्कुल पता मतलब इस वो वाली बात है ना कि एक तरफ जैक स्नाइडर टाइप बना रहा है हॉलीवुड में बहुत लाइक लोअस्ट कॉमन डिनोमिनेटर टाइप एग्जैक्टली फिल्म मेकिंग जिसमें चीप जोक्स सेक्स इज हैंट्रा और दूसरी तरफ क्रिस्टोफर नोलन टाइप है जो इंसेप्शन या इंटरस्टेलर टाइप डीप स्टोरीज आपको दे hmm. रहे हैं जिसमें exactly. आपको सोचना पड़ता है और वो फिर भी बिलियंस के बिजनेस कर रहे हैं exactly. तो मतलब केस क्लोज ना कि मतलब ऑडियंस स्मार्ट है बिल्कुल hey. है और कान हर एक के जो इंसान को अल्लाह ने कान दिए वो इतने तेज है इधर से उधर मतलब दो सेंट हिल जाए सुरख तो सुनने वाले को पता चल जाता है मैं किसी का देखिए नाम नहीं लूंगा हमारे यहाँ बहुत सारे तबला प्लेयर्स हैं ठीक है तबला पीटने में और तबला बजाने में जमीन आसमान का फर्क है है ठीक अगर आप तबले को पीटेंगे <laughs> तो आप हो सकता है वक्ती तौर पे कोई आपको तबला पीटने पे आहा हा कर दे या अपने बंदे प्लांट कर दे तो कोई आपको आपकी तारीफ कर दे लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट अगर इंडिया से उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब आए या कोई बड़ा तबला प्लेयर आए तो यहाँ के हॉल्स फुल होंगे Hmm. तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों को पता नहीं है hmm. आप में वो बात नहीं है इसीलिए hmm. हॉलफुल नहीं हो रहा हाँ तो पहले तो अपने आप अप, अपना मैार उस लेवल तक लेके आए तो लोग सुनेंगे भी आपको अरे hmm. टॉपिक I mean, uh, बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑन दी अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम टेकिंग एनी नेम्स आजकल जो मतलब लैपटॉप लगा के सामने सिंगर आ गया सिंगर ने मतलब एक पेडल या एक बॉक्स रखा हुआ है जो उसको लाइव ट्यून भी कर रहा है जी सबके सामने और उनको लगता है कि उनको पता नहीं चलेगा बट पता चले या ना चले वो सब पहुंचे हुए हैं और पाँच पाँच हज़ार के या जो भी टिकट देकर वो आए हुए हैं तो इट लाइक हाउ डू यू सी मेक सेंस ऑफ ऑल दिस कि एक तो बगैर कोई मेहनत किए हुए इन द सेंस के वर्क टॉकिंग मे वर्क ऑन देयर Social media profiles and made many videos or songs or whatever. But the fundamental craft of singing and being in tune or if you're an instrumentalist, playing well and knowing, you know, a variety of chords, etc. <laughs> 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 हम, हम, as human beings, we are restless. Hmm. हम पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखना चाहते हम आखिरी सीढ़ी पे कदम रखना चाहते हैं hmm. तो वो आखिरी सीढ़ी पे कदम रखने के चक्कर में क्या होता है यू एन आई वेरी वेल बस yeah. ये यही नतज होते हैं या सर लेट्स टेक द टॉपिक इन स्लाइडली डिफरेंट डायरेक्शन यू वर्क विद मतलब मेरा पहले तारफ आपसे हुआ थ्रू राके एंड yeah. कामी पॉल आई थिंक मैं विजिटिंग uh, लाहौर मु, मुगले कुछ का कुछ काम हो रहा था राकेश के यहाँ रेड ब्रिक स्टूडियो पे तो हाउ डिड यू मेट दोज गाइस एंड वाज़ दैट योर फर्स्ट एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ बैंड सेटिंग नो मतलब आई वाज़ ऑलवेज फ्रेंड्स विद विद राकेश भाई एंड यू वर्क यू नो बिफोर इज वेल एंड एक मुगले फंक जो है वो तो आई थिंक बना अराउंड टू थाउजेंड थर्टीन और फोर्टीन फोर्टीन में आई थिंक उसकी बात चल रही थी उससे पहले दिन आई रियलिटी शो कॉल पाकिस्तान सुपर स्टार एंड वहाँ पर मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई hmm. तो म्यूजिशंस uh, तो उनको ऑफकोर्स बहुत पहले से जानता था फरहान भाई से भी उधर ही जो बेस प्ले करते हैं वहाँ मुलाकात हुई तो बाद में जब इन्होंने बैंड बनाया एंड एंड दे यू नो स्टार्टेड पुटिंग अप देयर इंस्ट्रूमेंटल्स टुगेदर एवरीथिंग तो फिर देन दे कॉल्ड मी शुड कम एज अ फीचर्ड वोकलिस्ट तो तब मुझे इनके साथ काम करना का लेकिन उनसे दोस्तियां तो बहुत उससे पहले की थी से पहले की थी सो so, जब उन्होंने आपको बुलाया लाइक व्हाट वाज योर फीलिंग डू यू थिंक कि ये नेचुरली आपके जोन में बैठता है या थोड़ा सा आपको अपने आप आपकी यू you नो know, को करना पड़ा। हाँ, नहीं मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे जिंदगी में मैंने जितना भी काम किया मैंने कभी भी किसी को प्लीज करने के लिए नहीं किया मैंने अपनी ईजाब के लिए आम, असल तो यही होता है हाँ, पर, और मुगल फंक में भी यही था कि उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप मॉडर्न काम करें या आउट ऑफ द बॉक्स जाके जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो वो काम करें दे चूज दैट क्लासिकल म्यूजिक और उसके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन करके hmm. और फिर बैंड सेटअप को उन्होंने आगे बढ़ाया तो मैंने केम आउट ऑलरेडी वाल जो भी मैंने सुना है और और भी कुछ अनरिलीज़ काम है आई बिलीव जी बिल्कुल इंशाल्लाह चल रहा है वेरी सून आप सुनेंगे बिल्कुल आपने फिर लाइक वॉक अस थ्रू योर जर्नी विद यू नो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एक तो मुझे मुगलिफंग का पता है उसके बाद आपने किन-किन के साथ फिर काम किया सो बेसिकली मेरा जो मेन चंक ऑफ माय माय जर्नी इज़ यू नो बेसिकली डेडिकेटेड टू क्लासिकल म्यूजिक तो मैंने क्लासिकल के फील्ड में मैंने बहुत काम किया पी के साथ मैंने तकरीब आप कह लें कि सात साल मैंने काम किया और अभी भी जब मौका मिलता है मैं काम करता हूँ पी टी ने मुझे बहुत सिखाया और नृशक किया और मेरी जो पहली अपेरेंस थी वो पी में में ही थी फॉर अ प्रोग्राम कॉल्ड वीकेंड वर्ल्ड जो कि अमीर शाह शाहबा करी थी वेरी यू न्यूज़कास्टर न्यूज कास्टर रिसर्च जर्नलिस्ट एज वेल तो उन उन्होंने बेसिकली उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा बोलने का तरीका कि कैमरा के आगे शाये कैसे नहीं होना और आ, मुझे लगता था कि मैं स्टेज पे जाके गाता हूँ तो मुझ में कैमरा कॉन्फिडेंस भी होगा लेकिन पता लगा कि जब आप कैमरे के आगे होते हैं तो वो और तरह का कॉन्फिडेंस होता है टीवी में और तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है तो से मुझे पता लगा देन फिर मैंने एक और प्रोड्यूसर के साथ काम किया जो कि क्लासिकल का शो कर रहे थे दस गोश अः जिसमे की हमने तकरीबन थर्टी टू राग रिकॉर्ड किया उसमें फ्यूजन का काम भी दिखाया रक्स भी था उसमें पेंटिंग भी थी राग की क्या होती थी तो अच्छा

It was supposed to be a, an online series, hmm. and, uh, and, and and apparently the winner was supposed to get a contract with Universal Music. Okay. Supposed Never happened to. though. Did you win that? I came second. Yes, I was supposed to be, uh, you know, given that. aksariya ये i I mean, uh, but did anything.

देखें मैं ये कहता हूँ कि जब आपने वो काम करना होता है जिससे जिससे सुरों का ताल्लुक है जिससे सुर वाबस्ता है तो आप अपने उस स्किल को लेकर के इतने डेडिकेटेड होते हैं उसके अंदर और खोए हुए होते हैं कि आपका ये ध्यान नहीं होता कि लोग क्या कह रहे हैं लोग क्या देख रहे हैं कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और क्या हो रहा है आप चाहें तो यू नो you know, किसी को डायरेक्टली ना देखें और दीवार में देखें चाहे तो आप आंखें बंद करके पूरा का पूरा गाना सुना दें आपको फर्क नहीं पड़ता भी वो स्टिल के जी आर्टिस्ट तो बड़ा ही मदहोश था अपने काम में <laughs> और उसने जो है वो एक परफॉर्मेंस डिलीवर कर दी hmm. और कुछ भी नहीं हुआ टी वी दो यू कैंट डू दिस तब तो आपको आंखों में आंखें डाल के बात करना पड़ता है आपको कैमरे की तरफ देखना पड़ता है आपको एक्सप्रेशन hmm. आप अपने hmm. बनाने पड़ते हैं जो कि सिंगिंग में शायद इस तरह से इतना ना हो जो आपको नेचुरली आ रहा होता है वही आपको करना होता है लेकिन टीवी पे

उसको उसके आगे बैठ बैठ करके और बात करके और आई थिंक अ लॉट ऑफ मिरर वर्क इज आल्सो देयर दैट्स या दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड टिप यस स्पेशली शीशे में खड़े होकर आप देखें hmm. अपने आप को मतलब आई रिमेंबर जब मैंने अपने आप को किसी कैम कॉर्डर वीडियो या इनिशियली जब बैंड एक बचपन में था और दोस्त वीडियो ले जब मैंने अपने आप को देखा था इट वाज लाइक के, अच्छा मैं इस तरह बाजु सीधा करो भाई अच्छा आई मीन सो दे कपल ऑफ इयर्सो हमारे साथ भी एक एल्बम की थी बिल्कुल क्लासिकल uh, सिंगिंग एग्जैटली डिड यूर इजन कि आप ऐसी वजह ये थी कि uh, क्योंकि uh, एक uh, ऐसी कैपेसिटी में हूँ ना कि इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस और लोगों को एजुकेट uh, करना हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहती है तो मेरे हमेशा से जहन में था कि कोई ऐसी एल्बम की जाए जो कि बड़ी सिंपलिस्टिक हो मिनिमल uh, हो जिसमें मैं ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे ना छुप रहा हूँ hmm. और सुनने वालों को जो है बेसिकली कोई राग का की अगर यू नो नॉलेज चाहिए तो उसमें कोई लंबे लंबे उनको चीजें ना सुननी पड़े कि दे कैन जस्ट लिसन टू द कंटेंट एंड दे कैन गेट टू नो अबाउट द राग एज वेल सो यू नो कंपाइलिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ मॉडर्न एल्बम यू नो हेल्प मी

Actually, gotcha. so actually, you just mentioned. So, yeah. uh, how did that experience come about, and what was your um, experience with wonderful. it? Wonderful. I mean, um, as a per as a person, you know, um, you know, working with uh, Rohail sir was was always a dream, and then you know, he gave me the complete leverage of, uh, you know, singing the the item the way I wanted to. Hmm. जैसे

Uh, इस दफा कोर्स हर बंदा अलग अलग रिकॉर्ड हुआ है हुँ. तो uh, वो एक्सपीरियंस मिस किया बट uh, जो मेरा लालच था वो uh, you know, इस वजह से ज्यादा पूरा हो गया बिकॉज मैं चाहता था कि uh, रोहिल सर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिले हुँ. और आई डोंट नो उन्होंने बाकी लोगों को कैसे रिकॉर्ड किया बट मेरी रिकॉर्डिंग में उन्होंने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया था <laughs> कि ये सिर्फ जो है ना मैं और एजाज होंगे बस एंड वी रिकॉर्ड और यू नो बी टेलिंग कैसे करो ऐसे करो, करो जहाँ उसकी ऑफकोर्स आई थिंक दैट बेसिकली गॉट नो द बेस्ट वर्जन ऑफ मी आउट और अगर ये कोविड के दिन ना होते mm. तो ऑफ कोर्स वो और एक हजार कामों में फंसे होते हैं उनके साथ वक्त गुजारने का या बात करने का या एक्सपीरियंस गेन करने का इस तरह से मौका ना मिलता तो इस सीज़न का ये एक प्लस पॉइंट ज़रूर था कि मुझे उनके साथ गुजारने का और कुछ सीखने का मौका मिला हाउ डिड यू फाइंड मतलब ऑबियसली एक बंदा एक परसेप्शन तो होती है बिफोर यू मीट ऑफ दैट पेडिग्री तो बिफोर वर्सेस आफ्टर आपका क्या लाइक like, वो था कि वॉज एनी डिफरेंट टू हाउ यू इमेजिन इमेजन स्टोरी

Um I was whatever amount I was being paid, mm. uh, Ruhail sir actually doubled it. So nice. that is his grace, and you know that is his uh, professionalism. Mm. He he realizes and recognizes talent where it is due, mm. and he he goes out of the way. And he went out of the way to especially, um, you know, introduce me to the industry, mm. and you know, bring me as an artist in Coke Studio, where you know the general uh, conception is K.

अब आप कितनों के नाम ले, ले लेंगे जो बड़ी सेज की जी वो माना नेचुरल स्किल है हम बस उसके ऊपर चलेंगे और उसको चलाएंगे और ठीक है वो जहाँ तक आपको ले जाएगा फिर इसीलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको मशहूर होके यहाँ ख्याल आता है कि चलो चलो सीख लेते हैं

बड़ी होगी बट इन टूट नॉट रियली टू बी ऑनेस्ट आई योंड्रा में मैं काम कर रहा हूँ उसकी तो बहुत अप्रोच है लोग हैं उसके उसमें ज़्यादा जो पाकिस्तान में स्कोप है वो वो बेसिकली सीखने वालों का है कि और हम सीखना चाहते हैं तो डेट डिट ओपन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ यस एज ए टीचर बट नॉट वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ख्याल में मॉडर्न उसमें भी आ, उस जो मेरे लिए खुली बॉडी ऑफ वर्क ओपन अप हुआ वो मुगल हुआ बिकॉज यू नो उनकी वजह से मेरा कराची आना hmm. uh, शुरू हुआ मैं hmm. उनकी वजह से ही आप लोगों से मुलाकात हुई हाँ ये भी और <laughs> uh, उनकी वजह से ही जो यहाँ की क्लासिकल प्लेटफॉर्म है उनमें मैं प्रोमोटर्स ऑर्गेनाइजर से जा जाके मिला hmm. तो मेरा जो बेसिकली जो मेन बॉडी ऑफ वर्क है जिसमें एक्सपेंशन वो, वो हुआ तो ग्यारह hmm. साल बाद जो मुझे मौका मिला कि मैं जहाज का सफर फिर से करूं hmm. और ये खूबसूरत जो लम्हे हैं उनको फिर से गुजार सकूं कि आसमान नोड़ना कैसे होता है जब भी जहाज में बैठता हूं मेरे लिए वही कैफियत होती है जैसे मैं ग्यारह साल बाद फिर दोबारा से बैठा था मैं उसी बच्चे की तरह खुश हो जाता ग्यारह साल के गैप के बाद ग्यारह साल के गैप के बाद मैं फ्लाइट ली तो इसीलिए मैं इन मेमोरीज को भी तक चेरिश करता हूँ

तो मैंने जिस तरह से आके यहाँ काम किया एक अपनी मार्केट दोबारा की आई एम बेसिकलीट कराची बॉन्ड लेकिन uh, फिर लाहौर शिफ्ट हो गए 2006 में तो hmm. फिर जब यहाँ वापस आए और एक मार्केट रिक्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम होता है hmm. अपनी एक जगह बनाना hmm. uh, खासतौर पर जब आप एक ऐसा काम करते हैं जिसकी इतनी मांग नहीं है तो वो बहुत मुश्किल काम होता है hmm. लेकिन अलहमदुल्लह आई थिंक इफ यू स्टिक टू वट यू आर गुड एट नो यू आर द्राइटेस्ट लाइट आउट द बिल्कुल और मतलब इधर आके आपने बिगफुट के साथ भी काम किया, काम किया बिल्कुल आप लोगों के साथ भी काम बिल्कुल। किया का जब जाते है, काम की बात होती है अच्छी बात होती है खाना पीना होता है म्यूजिक होता है आई थिंक यही मकसद है दोस्तियों का कि आपकी जब मुलाकात हो तो अच्छी बिल्कुल काम हो और आप को कुछ सीखने का मौका मिले न सिर्फ उनसे बल्कि वो भी आपसे सीख रहे हों तो हुँ. ये एक्सचेंज बड़ा खूबसूरत होता है बिल्कुल अच्छा एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा बिकॉज uh, शायद इसमें पॉडकास्ट में पहले भी थोड़ा हम इस तरफ गए थे हुँ, हुँ. लेकिन यू नो दे आर फ्यू पीपल हु द कॉन्फिडेंस टू इट लाइक इट इज यू नो एंड ये मैंने आप में ज़रूर देखा है कि आप जब किसी चीज़ ने आपको गलत कुछ चाबी दी हो mm. तो आप जाके बता देते पूरी दुनिया को बता देते और यू नो फेयर नाफ मतलब आई थिंक पीपल डिजर्व टू नो सम रीजन सो वॉट माई क्वेश्चन इज वॉट ग्रांड योर गियर्स यू नो अबाउट अबाउट एवरी थिंग अबाउट जिस तरह यहाँ माहौल है या जिस तरह पहले भी हमने बात की थोड़ी बट इफ देअ यू नो वन और टू थिंग्स टू पॉइंट आउट मेनली वो क्या है जो आपको अभी तक फ्रस्ट्रेट कर मैं आ, एक बहुत असूल पसंद इंसान हूँ और जो मेरे एक बुनियादी असूलों में से वो ये है कि आप मेरे साथ जो है वो सच्चाई से चलें ईमानदारी से चलें अगर मुझे कहीं ऐसा लग जाए कि आप यू नो मेरे से डबल फेस्ड हो रहे हैं या चीज़ें ठीक नहीं है तो अक्सर लोग पी जाते हैं इस चीज़ को और वो नहीं कुछ कहते मैं मैं ज़रूर कहता हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो भी दुख आप अपने अंदर रखते हैं वो आपको बहुत जल्दी एज करता है बिल्कुल और ना सिर्फ एज करता है इट 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 ड्राइव्स यू 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 नो व्हेन एंड कम्स आउट तो वो पागल करके आपको निकलता है और आप वो बहुत बुरा आपका हाल करता है तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ यू नो प्रोलोंगिंग इट एंड यू नो कीपिंग इट एन साइड ऑफ यू एंड यू नो लेटिंग इट ग्राइंड यू जस्ट डील विद द सिचुएशन एंड गेट ओवर विद इट जो इंसान आपके साथ ईमानदारी से चलेगा वो चलेगा आपका सर्कल शायद बहुत छोटा होगा लेकिन आप सुबह सुबह ये सोच के नहीं उठ रहे होंगे कि यार अच्छा मेरी जिंदगी में आज का सो ओपरा हुआ आज उसने क्या कर दिया आज इसने क्या कर दिया आप सुकून से उठेंगे और जिंदगी में यही चाहिए मैं ना ज्यादा दोस्त बनाता हूँ ना मैं ज्यादा नए लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करने के उसमें हक में हूँ जो मेरी जिंदगी में शामिल होगा वो जानता होगा कि मेरी तबीयत कैसी है Hmm. और शायद अगर वो इंसान अच्छा है तो मैं उसके लिए थोड़ा बहुत अकोमोडेट कर लूं hmm. लेकिन अब अब दिल नहीं करता ऑनेस्टली hmm. मैं चीजें चेंज करूँ या इक्वेशन को बदलूं या एन ऑल दैट अब करता है कि बस ठीक है अब yeah. so yeah. और दूसरा मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो कि टाइम कॉन्शियस नहीं होते मुझे टाइम की बहुत कदर है और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं किसी का वक्त एटलीस्ट बर्बाद ना करूं और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज वक्त की कदर करें अगर आप लेट आएंगे तो आप बड़े आर्टिस्ट नहीं बन जाएंगे पीपल विल नॉट लाइक इट आप टाइम पे अपना काम करें तो उसमें बहुत बरकत होती है गोरा हमसे इसीलिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है कि उसको टाइम मैनेजमेंट आती है वो टाइम नहीं जाया करेगा और कराची मुझे इसीलिए खूबसूरत जगह लगती है यहाँ टाइम नहीं जाया करते यहाँ काम की बात करते हैं यहाँ ये नहीं कहते बाकी शहरों की तरह अच्छा आए पहले चाय पीते हैं अच्छा चाय हो गई अब खाना खाते हैं अच्छा काम की बात कल करेंगे अब तो बहुत थक गए <laughs> अब चढ़ ये एक्चुअली अब ये मैंने भी देखा है कि मतलब यहाँ भी होता है कभी कभार लेकिन फॉर सम रीजन ये लाहौर पंजाब में इस टाइप ऑफ एटीट्यूड का रिवाज ज्यादा है थिंक ट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेस एक ही मुल्क है वैसे तो बट वहाँ ये एक्सेप्टबल क्यों चीज़ हो, हो गई है आई थिंक हर इलाके की अपनी बात आ, होती है मैं दो हज़ार अठारह उन्नीस के वक्त में मैं इस्लामाबाद कुछ अर्से के लिए रहा तो मैंने वहाँ देखा कि उधर लोगों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पाई जाती हुई कि अगर गूगल मैप्स पे देखते हैं कि फ़ासला कहीं तीस मिनट से ज़्यादा कह तो कहते हैं अच्छा हम तो नहीं आ रहे आप हमारी तरफ आ जाए <laughs> अच्छा ये भी होता है तो फिर मुझे पता लगा कि किसी ने एक और बड़ी मजे की टर्म इस्तेमाल किया और आपको पहाड़ हो गया <laughs> आपको पहाड़ आई <laughs> थिंक <laughs> <That's... laughs> किसी जगह के लोगों को पहाड़ हो गया है किसी जगह के लोगों को खाना लड़ गया है <laughs> मतलब यहाँ तो तीस मिनट से ज्यादा काफी नॉर्मल वेरी नॉर्मल डिस्टेंस है अब बाहर के मुल्कों में जाए तो डेढ़ घंटे की ड्राइव कुछ नहीं होती हाँ, लंदन में आप बस जोन वन से फोर फाइव जा रहे हो घंटा लग जाता है तो मैं तो कहता था इस्लामा के लोगों को तो तुम लोगों को सजा के तौर पे कराची भेजना चाहिए इतना तो पहले दो घंटे सफर करके नॉर्थ कराची, <laughs> कराची जाओ फिर साउथ कराची जाओ फिर ईस्ट जाओ फिर वेस्ट जाओ और उसके बाद फिर जब थक जाओ फिर इस्लामाबाद वापस जाओ आ, तो तीस मिनट जो है ना वो हाँ, कुछ नहीं लगेंगे आपका इतना सा तो टेल मी अबाउट अबाउट हाउ दैट प्रोजेक्ट कम एंड आमेजश जो है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक uh, मजेदार साउंड है कुछ लोगों ने भी कहा कि यार आपका जो म्यूजिक है वो मिकसन से बहुत मिलता है जो कि इट्स नॉट ट्रू दैट वे बिकॉज आमेजश का जो मकसद था बुनियादी तौर पे वो ये था कि एज अ वोकलिस्ट मैं ज्यादा इंस्ट्रोमेंटल लेयर्स के पीछे नहीं छुपूंगा hmm. तो हमने उसको बड़ा बेयर बोन स्ट्रक्चर रखा कि यू नो ड्रम्स और बेस और सिर्फ वोकलिस्ट Uh, हो उसके अंदर और अगेन आई वॉज लकी इनफ कि मुझे अपनी रेल में रह के काम करने का मौका मिला तो जो पहला गाना हमने रिलीज किया वो बेसिकली uh, हमने uh, लाहौर से पचहत्तर किलोमीटर दूर एक फोर्ट में शूट करना था लेकिन वो उसका मौका नहीं मिल सका क्योंकि कोविड आ गया जो पहली वेव थी उसमें वॉज वेरी पैर तो हम एक दूसरे की गाड़ियों में ट्रैवल करते थे और जाते थे स्टूडियो और फिर जाके वहाँ वोकल्स देते थे और रिकॉर्ड करते थे

आपने क्योंकि कैमरा लगा हुआ है वो like टेक ले रहा है <laughs> <laughs> तो मतलब इस तरह से सामने आया दन mm. उसकी एनिमेशन एंड mm. तो एक बड़ा मजे का साउंड बना दिस गिव स्पेस यू नो मोर आइडियाज और सबसे मजे की बात है कि हमने लगभग तीन साल में सिर्फ दो गाने बनाए mm. क्योंकि हमारी अप्रोच ये है कि गाना जो है वो आपको ऑर्गेनिक uh, पीसेस में आता है mm. गाना वो नहीं होता कि आपने कहा कि जी बस अब आया और उसको करके करें और खत्म करें और hmm. ये पासे लगाए ये हो गया वो hmm. वो ऑर्गेनिक पीसेज में आते व्हेन वी फेल्ट कि जी हमारे कुछ आइडिया है ओनली देन डिड वी गेट टुगेदर एंड डू अ अम और Uh, कोई भी गाना अब तक हमने जो बनाया मैं एज वोकलिस्ट फील करता हूँ उसको सुनने के बाद कि नहीं यार इसमें कोई कमी नहीं रहेगी जो हम कर सकते थे हमने इसमें किया खूबसूरत बात है वरना अक्सर चीजें रिलीज करके कहते हैं अच्छा अगर ये कर लेते तो मजा आ जाता ये है ये तो आमेजिश में ये कमी नहीं है क्योंकि डेढ़ साल लगा के जब आप एक चीज रिलीज करते करते हैं तो उसमें कितना आप सोचें इनपुट किया होगा और जल्दबाजी में नहीं सिर्फ जब वो ऑर्गेनिकली चीज आइडिया जहन में आता है तो वी जैम इट आउट That's nice. I mean, what do you find in. Um, like you said, you don't want to hide behind lots of layers of yeah. instrumentation. Yeah. But at the same time, I think there is lots of well arranged music out there where nothing is competing with each other. So, I mean, do you fundamentally feel that, uh, you know, as a classical vocalist, you need more. स्पेस अवे फ्राम गिटारीज कीबोर्ड एंड लेयर्स या यू डोंट थिंक के मतलब वो लेवल ऑफ म्यूजिक अरेंजमेंट सेंस चलता है लोगों में कि वो स्पेस मिले म्यूजिक अरेंजमेंट सेंस का भी मसला है दूसरा मसला ये भी है कि हमारे यहाँ लोग

तो जब आपके सोलो इंस्ट्रूमेंट की बारे आएगी फिर आप सारा कुछ करें जो आप करना चाह रहे हैं तो ये सबसे बड़ा मसला होता है जब आप एक दूसरे पर चढ़ के बजाय आएगी उसके अंदर इट इज बिकॉज नॉट अबाउटिंग टीम ऑफ द्यूजिशन हो जाएगा सारा कुछ इट्स अबाउटिंग टीम ऑफ गुड ह्यूमन बींग्स because a good human being will eventually come up to the mark hmm. because of being a good human being that's what music requires hmm. i mean that is is an interesting point also because do you think to some extent uh, becoming a better musician or artist by necessi necessitates say, you become a better human being i think becoming a or better is human being or is it possible is... to become a great आर्टिस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट विदाउट नेसेसरली बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग पॉसिबली नहीं है हां आप पहले अच्छे इंसान होते हैं और फिर उसके बाद आप अच्छे म्यूजिशियन या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या सिंगर या जो भी बन सकते हैं मैं हनीफ 50 क्वालिटीज में से 49 आपकी पर्सनल ट्रेड्स हैं और सिर्फ एक आपका जो है वो अच्छा गाना बजाना है अगर आपका एक अच्छा गाना बजाना वो 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 किसी काम का नहीं है अगर वो 49 चीजें है बेकार हैं हां और उसमें भी अच्छा टू सर्टेन एक उसमें ग्लास सीलिंग आ जाएगी ना बिकॉज़

और उसके पीछे मतलब हैविंग द राइट टीम टू यू नो को प्रोड्यूस और ऑर्गेनाइज द थिंग बात करते ना टूवर्ड्स लाइक द फ्यूचर व्हाट्स इन वजाज सहेल इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड बियॉन्ड लाइक आप आजकल किस किस चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं uh, सबसे ज्यादा फोकस आजकल कल फंक की जो वोकल एल्बम है उसके ऊपर है हुँ. Uh, क्योंकि उसके काफ़ी सारे जो हैं ट्रैक्स जो अन म्यूजिक है वो अभी तक आपने नहीं सुना उसकी वीडियोज़ पर भी काम चल रहा है ऑडियोज पे भी काम चल रहा hmm. है तो वो बहुत जल्द आप उसको एल्बम uh, के तौर पे आप उसमें सुनेंगे उसमें uh, uh, उसमें मेरे भी गाने हैं और भी बहुत सारे नॉन वोकलिस्ट हैं कुछ अननोन हैं आई डोंट वांट टू ब्रेक द सरप्राइज बट इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अच्छा म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा जबरदस्त लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड थैंक यू सो मच फॉर being part of this thank and talking know. so openly with us thank you and if you have is music please up records album in or scale funk and uh, if you want to learn please get in touch with him uh, as you know he mentioned he, he teaches as well and please share your comments on anything that you found interesting uh, and uh, we'll see you next time inshallah